दिव्यांगता किसी के आड़े नहीं आती और ये साबित कर दिया है बिहार की बेटी श्वेता कौर ने। जी हाँ, श्वेता कौर की हाइट इतनी कम थी कि वो दूसरी सर्विस में नहीं कंप्लीट कर पा रही थी। उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी और बीपीएससी 67वीं की परीक्षा में वो पास की और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया है। क्या है उनकी कहानी, सुनाते हैं। और मैंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया, मैंने एक सपना देखा कि मैं बीपीएससी क्वालिफाई करूं और इसके लिए मैं लग गई। और इसके साथ साथ मैंने परीक्षा के पैटर्न को समझा, इसके सिलेबस को समझा और विभिन्न चुनौतियों जैसे को, चूँकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरी 4 बहनें हैं, तो इस आधार पर कम संसाधनों के होने के बावजूद भी मैंने अपने जोश, जज्बे और जुनून को कम नहीं होने दिया और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखी। और फाइनली मेरी सफलता की कहानी इस तरह लिखी गई कि मैं 67th बीपीएससी में डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के रूप में चयनित हुई। तो आपने सुना, श्वेता कौर अपनी कहानी बता रही थी, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के रूप में कार्य करना शुरू किया है, बीपीएससी की 67वीं परीक्षा उन्होंने पास की। इसीलिए कहा जाता है कि दिव्यांगता जो है कभी आड़े नहीं आती। भगवान कहीं से कुछ कमी देते हैं तो निश्चित तौर से उसके भाग्य को कहीं बड़ा अच्छा भी लिखकर देते हैं।